हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू और सोया चंद की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम एक अलग तरीके से हटके बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम सोया चंद की सब्जी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सोया चंद को बॉयल कर लेंगे। गैस पे हमने 1 लीटर पानी उबालने के लिए रख लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, साथ में हम डालेंगे अपना सोया चंद बड़ी। हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, तो चम्मच की मदद से हिलाते हुए हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। हमने गर्म पानी में सोया चंद बड़ी को डाल के 3 मिनट तक उबाला है। आप देख सकते हैं अपनी बड़ी जो है एकदम फ्रेश फ्रेश फुली हुई दिख रही है। सभी बड़ियां डबल साइज में हो गई है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और 1 चम्मच की मदद से एक्स्ट्रा पानी गिराते हुए सभी बड़ियां को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने गर्म पानी से अपनी बड़ी को निकाल के उसका पानी निचोड़ के एक बॉल में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही अपनी गाढ़ी है, फेंटी हुई है, इसे हम सोयाबीन में डाल देंगे। साथ में हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमने बड़ी उबालते टाइम ही नमक डाला था तो अंदाज से ही डालेंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सोया चंद बड़ी को मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं। ये बहुत ही जायकेदार सब्जी तैयार होती है। अभी से आप देखिए इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। हमने दही मसाला बड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं। जब तक अपनी सोयाबीन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम एक मसाला का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च, टमाटर एक साथ में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार ले रहे हैं, उसमें हम सभी खड़े मसाले को डाल दे रहे हैं। प्याज को हम 4 टुकड़ा में ऐसे कर लेंगे। टमाटर को भी हम 4 टुकड़ा में ऐसे काट लेंगे, क्योंकि ये पीस के पेस्ट बनाना ही है। हमने सभी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जार में भर लिया है। अब हमने जो आलू लिया है, इस आलू को पीसेस कर लेंगे। तो आप जैसा चाहिए वैसा पीस बनाइए। हम तो बड़े बड़े पीस करेंगे, क्योंकि बच्चों को आलू चुन चुन के देना पड़ता है। ये सब्जी आप बिना आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो आलू पसंद करते हैं, तो 2-4 आप आलू ऐड कर सकते हैं। आलू को हमने काट लिया है। अब मिक्सर जार पे ढक्कन लगा के हम इसका एक पेस्ट बना ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया है और हमने आलू भी काट लिया है। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें हम ये कटी हुई आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम करीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये आलू जब ग्रेवी में पड़ती है तो बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो हम 1 चम्मच की मदद से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू को हमने प्लेट में निकाल लिया। अब जो तेल बचा है उसी में हम तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जीरा, तेजपत्ती, ब्लैक पेपर, लौंग, दालचीनी ले लिया है। सभी को हम एक साथ में डालेंगे और हल्का सा चटकने देंगे।
देख सकते हैं तड़का अपनी तेल में अच्छे से चटकने लगी है। इसी टाइम पे हम ग्रेवी डालेंगे। हमें तड़का को जलने नहीं देना है, इसकी आरोमा आ जाए तो हम इसमें जो ये ग्रेवी बनाए हैं यानी कि ग्रेवी के लिए जो पेस्ट बनाए हैं इसे धीरे से छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे निहार लेंगे और बराबर फैलाते हुए इसे हमें 12 से 15 मिनट तक भूनना है, यानी कि अच्छी सी इसमें तेल छोड़ दे तब तक हमें भूनना है। आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट तक अपना ग्रेवी भूना है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और ये कढ़ाही में ऐसे तेल भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना मेरीनेट किया हुआ सोया चंद बड़े। अच्छे से ये मेरीनेट हो गया है और इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसमें हमने जो मसाला डाला था दही के साथ उसे भी अच्छे से हमें पका लेना है। अब देख सकते हैं अपनी सोया चंदबेरी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसी टाइम पे ये आलू जो फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट पक चुकी है, हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम मिक्स कर देंगे। हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसी टाइम हमने जो बोल में मेरीनेट किया था उसमें कुछ मसाला बचे थे तो उसी में हमने पानी डाल लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है और अपनी सब्जियाँ भी अच्छे से पक चुकी हैं तो हमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे कवर करके पकाना है। आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कवर लगा के इसे 4 से 5 मिनट तक तेज फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे अच्छे से सभी सब्जियों में ग्रेवी अब्जर्व हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपनी सब्जी चेक कर ले रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी अनोखी सब्जी तैयार हुई है। अब हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल दे रहे हैं। तो ये अपनी फाइनली सोया चंदबड़ी की नई तरीके की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फटाफट सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ये सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में टेस्टी। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।